अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको गूगल एडसेंस की न्यू अपडेट देने वाला हूँ, जो कि रिसेंटली एडसेंस का नोटिफिकेशन भी चल रहा था। 1 फरवरी से न्यू अपडेट ऐड हो रही है एडसेंस में, जिसमें आपके अकाउंट पे अब इंप्रेशंस पे भी अर्निंग मिला करेगी। उसी की इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो गाइस, यहां पे मैंने ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है, जस्ट आपको दिखाने के लिए डेमो अकाउंट है। यहां पे मैं प्रॉपर्ली कोई अर्निंग नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको दिखाने के लिए इसके ऊपर वीडियोस बनाता हूं। यहां पे अब आप देख सकते हैं, इस पे मैंने रिसेंटली $10 तक अर्निंग करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए सेंड कर दिया है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, इसमें टुडे की अर्निंग $0.05 है, और यहाँ पे अभी कोई भी क्लिक नहीं मिला है। जस्ट यहाँ पे 10 पेज व्यूज हैं, और इंप्रेशन 56 हैं, CTR 0 है, CPC भी 0 है, और यहाँ पे पेज RPM है जो 4.83 है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चेंजेस न्यू हुई हैं। यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड चेंज नहीं हुआ है, जस्ट यहाँ पे आपके इंप्रेशंस का सिस्टम आया है, जिसमें आपके अब इंप्रेशंस पे भी अर्निंग मिला करेगी। और यहाँ पे क्लिक सिस्टम, जो कि मुझे लग रहा था कि शायद ये चला जाएगा या नहीं रहेगा, लेकिन ये भी यहाँ पे वर्क कर रहा है, और क्लिक सिस्टम भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कम पेज व्यूज हैं, बिल्कुल 10 है, और यहाँ पे इंप्रेशंस भी बहुत थोड़े हैं, 56 इंप्रेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे 0.05 की अर्निंग है, और CTR आप देख सकते हैं बिल्कुल 0 है। बट यहाँ पे मैं यस्टरडे की अर्निंग आपको दिखाता हूँ, जो कि $0.38 बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज व्यूज 93 हैं, और यहाँ पे पेज RPM है जो कि 4.10 है, और इंप्रेशंस जो है 334 इंप्रेशंस हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक्स भी यहाँ पे मिले हैं, क्लिक्स खत्म नहीं हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 क्लिक्स यहाँ पे आए हैं, और CPC आप देख सकते हैं 0.05 का CPC है, एंड यहाँ पे CTR भी 8.60% है, जो कि थोड़ा सा हाई है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस देखने को मिली हैं, जस्ट यहाँ पे इंप्रेशंस पे हैं और आपकी अर्निंग्स पे हैं। और यहाँ पे अब आपको नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, जो कि अभी तक आपको आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे इसको डिसमिस कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं beginning February 1, 2024, Google will begin enforcing new consent management requirements for the partners using our search ads publisher products। इसको भी रीड कर सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो नहीं वॉच किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे आपको GDPR क्रिएट करना होता है, जो कि ऑलरेडी सभी ने क्रिएट किया हुआ होगा। जस्ट आपको ये बताने के लिए वीडियो बनाई है कि यहाँ पे कौन कौन से इसमें चेंजेस आई हैं और एडसेंस में क्या क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे इतना कुछ भी डिफरेंट नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंप्रेशंस में चेंजेस आई हैं, कि अब आपको इंप्रेशंस के ऊपर अर्निंग मिल जाती है, और यहाँ पे क्लिक्स बेस सिस्टम बंद नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये जस्ट छोटी सी अपडेट्स हैं, बट यहाँ पे इंप्रेशंस पे अर्निंग हो रही है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक्स पे अर्निंग बहुत ज्यादा लो मिलती है, लेकिन इंप्रेशंस पे हो सकता है ज्यादा मिले कुछ डेज में। इसके ऊपर मजीद हाई ट्रैफिक देने के बाद यहाँ पे न्यू रिजल्ट्स आपको मैं शेयर करूंगा किसी और न्यू वीडियो के अंदर, देन आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट गाइड करूंगा। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।